नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूँ आपस से प्रोडक्शन के अगले 20 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए सेपर ऑप्शंस हैं टूल इज स्टेशनरी एंड वर्क रेसिप्रोकेट्स, ऑप्शन बी इज वर्क इज स्टेशनरी एंड टूल रेसिप्रोकेट्स, ऑप्शन सी इज टूल मूव्स ओवर स्टेशनरी वर्क, ऑप्शन डी इज टूल मूव्स ओवर रेसिप्रोकेटिंग वर्क। तो दोस्तों, जो सेपर मशीन होती है उसमें वर्क जो रहता है वो हमेशा स्टेशनरी रहता है, उसके वर्क के ऊपर जो टूल होता है वो रेसिप्रोकेट मोशन करते हुए कटिंग करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ कटिंग एज ऑफ ए पार्टिंग ऑफ टूल वेरीज फ्रॉम। दोस्तों, जब पार्टिंग ऑफ टूल होता है उसका जब विड्थ होता है वो 3 से 12 mm यानी 3 to 12 mm के बीच में वेरी करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ टूल यूज्ड ऑन मिलिंग मशीन एंड बोचिंग मशीन। तो दोस्तों, मिलिंग मशीन और ब्लोचिंग मशीन में जो टूल यूज़ होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कटिंग एक्शन जो ग्राइंडिंग का होता है, अगर वो डल हो जाता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेंटर लेंस ग्राइंडर्स द रेगुलेटिंग व्हील इज इंक्लाइंड एट। तो जो दोस्तों सेंटर लेंस ग्राइंडर होता है, जो उसमें रेगुलेटिंग व्हील होता है, उसका काम ये होता है कि जो वर्क है उसको फीड देना। तो सेंटर लेंस ग्राइंडर्स में जो रेगुलेटिंग व्हील्स होते हैं उनको 0 to 8 degree पे इंक्लाइंड रखा जाता है ताकि जो वर्क पीस हो उसको फीड मिल जाए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द मेटल इज रिमूव्ड बाय। तो ड्रिलिंग जो ऑपरेशन होता है उसमें मेटल जो रिमूव होता है वो सीयरिंग और एक्सट्रूजन दोनों की वजह से होता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ईडीएम मशीनिंग इज अप्लाइड फॉर शेपिंग कार्बाइड एंड पंचेस हैविंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स, मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होल्स एंड सीव्स एंड फ्यूल नोजल्स, एम्बॉसिंग एंड इंग्रेविंग ऑन हार्डर मटेरियल। दोस्तों, जो तीन ऑप्शन हैं तीनों में हम ईडीएम का यूज़ कर सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रैक इन ग्राइंडिंग व्हील इज डेवलप्ड ड्यू टू। दोस्तों, हमको जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्राइंडिंग व्हील जो होते हैं हाई स्पीड पे काम करते हैं, उस हाई स्पीड पे काम करने की वजह से उनमें क्रैक्स आने की संभावना रहती है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हाई स्पीड ऑफ व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेफ्ट हैंड टूल ऑन लेथ कट्स मोस्ट इफिशेंट व्हेन इट ट्रेवल्स। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑफ द लेथ बेड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द कटिंग फोर्स इन अप मिलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स पर टूथ मूवमेंट ऑफ द कटर। तो अगर अप मिलिंग की बात करें तो अप मिलिंग में जो फोर्स होता है वो जीरो से लेकर मैक्सिमम की ओर बढ़ता है। मतलब पहले जीरो रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम की ओर जाता है। अगर डाउन मिलिंग की बात करें तो डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। तो यहाँ पर अप मिलिंग पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। इन ड्रिल द ड्रिल स्पिंडल्स आर प्रोवाइडेड विथ स्टैंडर्ड टेपर नोन एज। तो जो ड्रिल स्पिंडल्स होते हैं उनके अंदर जो स्टैंडर्ड टेपर दिया जाता है उस टेपर का नाम होता है मोर स्टेपर। तो इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ बेड इज मेड ऑफ। तो जो लेथ बेड होते हैं वो कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चिल्ड कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है, द फैक्टर कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ मशीनेबिलिटी। दोस्तों, जो मशीन हम बात करते हैं मशीनेबिलिटी की, तो वहाँ पर टूल लाइफ, कटिंग फोर्स, पावर कंजप्शन, टाइप्स ऑफ चिप्स एंड सीयरिंग, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कंसिडर किए जाते हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। फॉर मशीनिंग ए माइल्ड स्टील वर्क पीस बाय हाई स्पीड स्टील टूल द एवरेज कटिंग स्पीड इज। जब भी हम माइल्ड स्टील की मशीनिंग करते हैं हाई स्पीड स्टील टूल से, तो जो एवरेज कटिंग स्पीड है वो 30 meters per minute की होती है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये अधिकतर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो रैक एंगल ब्रास को काटने के लिए जो हाई स्पीड स्टील टूल में दिया जाता है वो होता है जीरो।
ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कटिंग हेलिकल गियर्स ऑन ए नॉन डिफरेंशियल गियर होबर द फीड चेंज गियर रेशो इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटर रिलेटेड टू इंडेक्स चेंज गियर रेशो, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन हॉट मशीनिंग द वर्क इज हीटेड बाय, दोस्तों हॉट मशीनिंग जो होती है, हॉट मशीनिंग में वर्क को हम किसी भी तरीके से हीट कर सकते हैं, चाहे सिंपल हीटिंग करें, चाहे फ्लेम हीटिंग करें, चाहे उसको इंडक्शन हीटिंग करें, तो डी ऑप्शन डी इसका होगा, एनी ऑफ द अबव, तीनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द एंगल बिटवीन द सीयर प्लेन एंड कॉल सीयर एंगल, दोस्तों तो जो एंगल बिटवीन सीयर प्लेन एंड वर्क सरफेस होता है वो कहलाता है सीयर एंगल, तो ऑप्शन डी इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज वर्क सरफेस। लो हेलिक्स एंगल ड्रिल्स आर प्रिफर्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन, दोस्तों जब लो हेलिक्स एंगल की हम बात करते हैं तो प्लास्टिक के लिए यूज किया जा सकता है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टीलाइट प्रिजर्व्स हार्डनेस अप टू ए टेम्परेचर ऑफ, जो स्टीलाइट्स होते हैं वो अपनी हार्डनेस को लूज नहीं करते हैं अप टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाएंगे तो उनके हार्डनेस में उनके हार्डनेस लूज करने लगते हैं, मतलब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो अपने हार्डनेस को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग टूल इज मेड ऑफ, अल्ट्रासोनिक जो मशीनिंग होती है उसमें टूल बना होता है ब्रास और कॉपर का, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो टूल बना होता है वो ब्रास और कॉपर का, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं, आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक करें और कमेंट करें, अगर कोई सजेशन हो तो उसको भी कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, और हम मैं डेली ऐसे ही क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।